नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। देखिए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो प्रश्नावली 16.2 संख्याओं के साथ खेलना। देखो आप लोगों ने, यदि मैंने बताया था कि हमारी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है विभाजकता का नियम, यदि आप लोगों ने वो फटा होगा तो आप लोग इस प्रश्नावली को तो बिल्कुल चुटकियों में हल कर दोगे। देखो 16.2 है वो विभाजकता के नियम पे आधारित है पूरी तरह से। तो देखो उसमें नौ का विभाजकता का नियम, नौ का एक गुणज है, मतलब ये ऐसी संख्या है जिसके अंदर नौ का भाग जाता है। ये ऐसी संख्या है उसके अंदर क्या जाएगा, नौ का भाग जाएगा। तो अपने को ऐसा अंक बताना है, इस वाई की जगह ऐसा अंक बताना है कि नौ का भाग इसमें पूरा चला जाएगा। देखो नौ का भाग कब जाता है, जब क्या होता है, अंकों का योग क्या होगा, योग में, अंकों के योग में नौ का भाग चला जाए, नौ का भाग चला जाए, अंकों के योग में क्या चला जाए, नौ का भाग चला जाए। देखो यहाँ पे अंक क्या है, 2, 1, y और 5, इनको जोड़ूंगा तो इसके अंदर किसका भाग चला जाना चाहिए, नौ का भाग चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 + 1 + y + 5 बराबर, देखो 5 और 1 6 और 6 2 कितने हो गए, 8, यानी 8 + y 8 + y 8 में क्या जोड़ूँ मैं, 8 में क्या जोड़ूँ कि इसमें नौ का भाग चला जाए। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, यदि y बराबर 1 हो तो क्या होगा, 8 + 1 बराबर क्या मिलेगा अपने को, 9 मिलेगा, और 9 बराबर क्या होता है, 9 × 1, यानी 9 किसका गुणज है, 1 का गुणज है। 9 बार देखो 1 × 9 9 होता है। यदि यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पे यदि मैं क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो y बराबर यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, y बराबर 1 ही प्राप्त होगा। ये हो जाएगा अपना आंसर, इसी के जैसा ही सेम, शायद अपना प्रश्न नंबर 2 भी इसी के जैसा ही है। संख्या परिवर्तन है और संख्या क्या है यहाँ पे, 31 z 5। संख्या क्या है, देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, जैसे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ 31 z 5, ये है बिल्कुल सेम 31 z 5 में नौ का एक क्या है, गुणज है, और जेड एक अंक है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना, अपने को जेड का मान निकालना है। तो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, ज़रूर निकलेगा, हल निकलेगा और जल्दी ही निकलेगा। तो देखो यहाँ पे 3, 1, z, 5 दे रखा है। तो देखो अंकों का योग में किसका भाग जाएगा, नौ का भाग जाएगा। तो देखो अंकों के योग में नौ का भाग जाएगा। यहाँ पे देखो क्या करना है, 3, 1, z, 5 इनको जोड़ता हूँ मैं, 3 + 1 + z + 5, 5 और 3 कितने हो गए, 8 और 8 और 1 कितने हो गए, 9 + कितना, जेड। देखो 9 में क्या जोड़ूँ कि, देखो इसमें ये और दे रखा है प्रश्न में, इसके 2 उत्तर है, ऐसा क्यों है। 9 में मैं क्या जोड़ूँ मैं देखो जेड बराबर मैं 2 चीज़ जोड़ता हूँ, यदि जेड बराबर क्या हो, 0, तो यदि जेड बराबर क्या होगा, 0, तो देखो क्या आता है, 9 + 0 बराबर कितना, 9। क्या 9 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। यदि 9 में 9 का भाग जाता है तो जेड बराबर 0 है, वो मान भी सही है। पहला मान तो हो गया अपना जेड बराबर 0। यदि दूसरा मान, यदि मैं जेड बराबर नौ रखूँ तो यहाँ पे नौ 9 + 9 बराबर कितना हो गया, 18 क्या आता है, 2 × 9 नौ दूनी कितना, 18। तो क्या 18 में भी नौ का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो इसके कौन कौन से आंसर होंगे, z = 0 और z = 9। कारण पूछ रहा है क्यों आए 2 आंसर, तो आप लोग बता देना कि देखो 9 में हम लोग 0 जोड़े तो भी नौ का भाग, और 9 में 9 जोड़े तो भी नौ का भाग, तो क्या होता है, इनको में किसका भाग जाएगा, नौ का भाग जाएगा। ये है नौ की विभाजकता का नियम। तो इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 के अंदर, प्रश्न नंबर 3 की। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, 24x दे रखा है, और ये क्या है, 3 का 1। देखो 3 और 9 का विभाजकता नियम है समान रूप से चलता है। यदि अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाए तो क्या होगी, संख्या 3 से विभाजित होगी। तो क्या कह रहा हूँ मैं, अंकों का योग कुछ भी कर लो, अंकों का योग क्या होगा, 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, बिल्कुल ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अंकों का योग 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब यहाँ पे क्या है, 24x है, मैं क्या करूँगा, 2 + 4 + x बराबर कितना आया, 6 + x। क्या 6 में भी 3 का भाग जाता है,
तो छः में देखो यहाँ पे एक्स में एक्स की जगह क्या क्या रखूँ कि यहाँ पे देखो तीन का भाग चला जाए। तो यहाँ पे यहाँ क्या हो सकता है एक्स की जगह, देखो यहाँ पे एक्स बराबर जीरो, जीरो हो सकता है क्योंकि देखो छः में जीरो जोड़ूंगा छः ही आएगा और छः में तीन का भाग जाता है। तीन जोड़ दूँ एक्स की जगह छः में, यदि मैं तीन जोड़ूँ नौ आता है, नौ में भी तीन का भाग जाता है। यहाँ पे छः जोड़ दूँ छः में छः जोड़ दिया बारह आता है, बारह में तीन का भाग जाता है। यहाँ पे यदि मैं नौ जोड़ा जाए तो छः और नौ कितने होते हैं पंद्रह होते हैं, पंद्रह में तीन का भाग जाता है। यहाँ पर बात करूँ बारह की तो बारह और छः अट्ठारह होते हैं और अट्ठारह में भी तीन का भाग जाता है। यहाँ पर कितनी भी संख्याएँ हो सकती है एक्स की जगह, लेकिन बात की जाए अपने इस प्रश्न की तो क्या बोल रहा है इसके अंदर कि एक्स क्या है, एक्स एक अंक है, एक्स क्या है एक अंक है, इस बात का ध्यान रखना कितना अंक है एक अंक है। तो एक अंक वाली संख्या कौन कौन सी है यहाँ पे, जीरो तीन छः और नौ। तो इन चारों में से एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है जीरो तीन छः और नौ। यदि आप लोग एक्स की जगह जीरो तीन छः नौ कुछ भी लिखोगे तो अपना आंसर तीन का एक गुणज बिल्कुल हो जाएगा, यानी तीन का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर चार के। प्रश्न नंबर चार में भी तीन से विभाजकता का भाग कर रहा है, तीन से विभाजकता का यानी तीन का भाग चला जाएगा, तीन का गुणज है तो किसका भाग जाएगा, तीन का भाग जाएगा। तो तीन के भाग के लिए मैं क्या बता रहा था, यदि अंकों का क्या हो, अंकों का योग, अंकों का योग, यदि अंकों का योग क्या होगा तीन से, तीन से विभाजित हो तो क्या होगा, संख्या तीन की गुणज होगी, तीन की गुणज होगी। ये तो अपने को नॉर्मल सी बात है, पता है कि यदि अंकों के योग में तीन का भाग चला जाएगा तो जरूरी है कि संख्या किसकी गुणज है, तीन की गुणज है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा, तीन एक जेड और पाँच, संख्या चार अंकों की है और यहाँ पे तीन एक जेड पाँच दे रखा है, अपने को इनको क्या करना है जोड़ना। मैं जोड़ रहा हूँ तीन प्लस एक प्लस जेड प्लस कितना पाँच, पाँच और एक छः और छः और तीन कितने हो गए नौ हो गए, और नौ प्लस जेड बराबर ऐसी संख्या आएगी उसके अंदर तीन का भाग जाएगा। यदि देखो यदि जेड बराबर यहाँ, जेड बराबर यहाँ क्या होगा, जेड बराबर क्या क्या हो सकता है, जेड बराबर मैं बात करूँ जीरो की, यहाँ जेड बराबर जीरो की बात करूँ, नौ में जीरो जोड़ा तो क्या नौ में भाग जा रहा है, तीन का बिल्कुल जा रहा है। नौ में देखो यदि मैं तीन जोड़ूँ तो नौ और तीन बारह होते हैं और बारह में क्या तीन का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। नौ में यदि मैं छः जोड़ूँ पंद्रह होता है, पंद्रह में क्या तीन का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। छः की जगह यदि मैं नौ जोड़ूँ नौ नौ अट्ठारह होते हैं और अट्ठारह में भी किसका भाग जा रहा है, तीन का भाग जा रहा है। यहाँ पर बात की जाए बारह की, बारह और नौ कितना होते हैं इक्कीस होते हैं, इक्कीस में तीन का भाग जा रहा है, लेकिन बारह नहीं लेना है, बारह नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्या दे रखा है, जेड एक अंक है, जेड एक अंक है, तो संख्या कितनी लेनी है एक अंक वाली ही लेनी है यहाँ पे, जो शिफ्ट हो जाए एक अंक वाली संख्या। तो यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए कौन कौन सी संख्या हो सकती है, अपना जेड का मान जीरो तीन छः और नौ, ये चार संख्याओं में कुछ भी हो सकता है। तो इसी के साथ अपनी जो प्रश्नावली 16.2 और प्रश्नावली 16 ही यहाँ पर होती है समाप्त। देखिए लगभग सा अपना क्लास आठ का कोर्स लगभग सा पूरा हो चुका है, लगभग प्रश्नावली रह रही है अपनी एक या दो चैप्टर रह रहे होंगे शायद मेरे हिसाब से, मैं देखता हूँ यहाँ पे। देखो हम लोगों ने प्रश्नावली 13 तक पढ़ लिया और आज प्रश्नावली 16 भी कंप्लीट कर ली, तो अपनी प्रश्नावली केवल बच रही है 14 और 15। प्रश्नावली नंबर 14 और 15 तो वो भी जल्द ही एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएंगे, तो अपने आठवीं क्लास का कंप्लीट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यदि आठवीं क्लास में ये कोर्स में नहीं है तो मैं इसको नहीं पढ़ाऊँ, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आप लोग सीखो, पढ़ना है तो, यदि आप लोग केवल एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो और एग्ज़ाम के हिसाब से नंबर लाना चाहते हो मत पढ़ो, लेकिन आपको यदि नॉलेज चाहिए तो ये पढ़ना पड़ेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए भविष्य के लिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।